नमस्कार फ्रेंड्स, इस वीडियो में लेके आए हम आपके लिए बायोलॉजी सेक्शन। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, वाइडल टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। वाइडल टेस्ट किसके लिए यूज़ करते हैं? टाइफाइड के लिए यूज़ करते हैं। वाइडल टेस्ट टाइफाइड के लिए, देखिए एक बायोप्सी टेस्ट होता है, बायोप्सी ये किसके लिए यूज़ करते हैं? ये कैंसर के लिए, ठीक है, कैंसर के लिए टेस्ट करते हैं, ध्यान रखिए आप ये टेस्ट। अगला देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकली करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? क्रैनियल नर्व, क्रैनियल नर्व दो के कितने होते हैं अपने? क्रैनियल नर्व होते हैं 12, इन्होंने दे रखा कितने? 10 दे रखे हैं, ठीक है। और कॉलर बोन कितने होते हैं हमारे? कॉलर बोन तो दो ही होते हैं बस, ठीक है। अब फ्लोटिंग रिब्स कितने होती है? फ्लोटिंग ये सब होती हैं दो, टू पेयर्स होते हैं। अब जो क्रैनियल नर्व रहते हैं उनके नाम देखिए, जैसे ओल्फैक्टरी लोब, ओकुलोमेटर, ट्रोक्लियर, एब्डुसेंस, ऑप्टिक, ट्राइजेमिनल, ये सारे क्या हैं? क्रैनियल नर्व है। तो इसमें एनाटॉमिकली करेक्ट कौन सा है? फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। सलेवरी ग्लैंड में कौन सी आती है? पैरोटिड ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स आते हैं। और एक सबमैंडिबुलरी सबलिनिगुअल ग्लैंड्स, ये क्या है? स्लेवरी ग्लैंड है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, अगला है इर्गोटोफ्राई इज कास्ट बाय ए स्पीसीज ऑफ, कौन सी स्पीसीज से होता है? होता है क्लेविसेप्स, क्लेविसेल्स, क्लेविसेप्स। अनसिनेरुला क्या होता है? एक फंगस होता है एक टाइप का, ठीक है। अब जैसे ऑस्टिलागो है, ऑस्टिलागो इसमें क्या है? अगर आपने हमारा एक हमने बायोलॉजी का माइक्रोऑर्गेनिज्म से एक वीडियो बनाया है, अगर वो देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि ऑस्टिलागो क्या है। इसमें ही बता देते हैं हम, ऑस्टिलागो एक समट फंगस होती है, जो समट फंगस होती है, समट फंगस। हम डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक दे देंगे, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके उसको वीडियो को देख सकते हैं। बायोलॉजी के ऊपर हमने दो वीडियो बनाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला है प्रोबायोटिक्स आर, प्रोबायोटिक क्या होते हैं? लाइव माइक्रोबियल होते हैं, लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट होते हैं, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। ऑर्गेनिज्म लैकिंग ए न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है वो क्या होती है? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोट, ऑप्शन सी। और जिसमें प्रेजेंट होता है वो यूकैरियोट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला दैट सेंट्रियोल इज एसोसिएट विद, सेंट्रियोल एसोसिएट होता है स्पिंडल फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी, स्पिंडल फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, द नेम सुसाइड बैग हैज़ बीन टू, किसको बोलते हैं सुसाइड बैग? लाइजो, लाइजोसोम को बोलते हैं, लाइजोसोम को, लाइजोसोम को बोलते हैं सुसाइड बैग, ठीक है। लेकिन देखिए वो ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड किसको बोलते हैं? उसको वो स्प्लीन को बोलते हैं, ग्रेवयार्ड, स्प्लीन को, ग्रेवयार्ड, ग्रेव यार्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, अगला द कलरलेस डेंस सेप प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, वो क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, व्हेन ए सेल इज प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग साल्ट सॉल्यूशन इट श्रिंक्स बिकॉज वाटर कम्स आउटसाइड द न्यूक्लियस, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए वाटर बाहर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन्स एक्युमुलेट इन द, होते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस रहता है उसमें एक्युमुलेट करते हैं प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है ए चेंज इन द अमाउंट ऑफ योक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द एग विल अफेक्ट, किसको अफेक्ट करेगा? पैटर्न ऑफ क्लीवेज, क्लीवेज के पैटर्न को अफेक्ट करेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है,
द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स बाई टिश्यू कल्चर मेथड इज कॉल्ड, उस क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन, माइक्रो प्रोपोगेशन ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर फ्रॉम द ग्लोमेलर फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रम, तो वो होते हैं प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबल्स ऑप्शन नंबर PCT, जिसको PCT बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी PCT, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स एट लो टेम्परेचर एंड मोस्ट कंडीशन टू ब्रेक इट्स डोरमेंसी इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं अपना वर्नालाइजेशन ऑप्शन नंबर डी, ये गलती से हो रखा है यहाँ पे, इसका वर्नलाइजेशन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, द इंडियन रिनोसियोर्स इज ए नेचुरल इनहेबिटेंट ऑफ विच वन ऑफ द इंडियन स्टेट, तो वो है असम ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज सेफेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर, तो वो है MRI सेफेस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलाइज फॉस्फोटाइस्टर बॉन्ड इज इन ए पोलिन्यूक्लियाइड चेंज, वो कहते हैं एंडोन्यूक्लिएज ऑप्शन सी, एंडोन्यूक्लिएज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, DDT रेजिड्यूज आर रैपिडली पास्ड थ्रू फूड चेंज कॉजिंग बायोमैग्निफिकेशन बिकॉज DDT इज लिपोसोल्यूबल ऑप्शन बी, लिपो सोल्यूबल। अगला क्वेश्चन हमारा, जीन्स आर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट एंड जनरली लोकेटेड हैं, किस में कहाँ लोकेट रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया एंड काज लाइसिस आर कॉल्ड, उनको बोलते हैं लैक्टिक ऑप्शन सी। देखिए हमने जो आंसर ले रखे हैं, जो APS ने अपनी आंसर किया कुछ प्रोवाइड करा रखा है उनके बेस पे लिए हुए हैं। अगर आपको फिर भी कोई इनमें डाउट लगे तो अपने क्यूरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगला क्वेश्चन है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ऑफ DNA मॉलिक्यूल मीन्स, वो था द फॉस्फेट ग्रुप एट द स्टार्ट ऑफ DNA स्ट्रैंड आर इन अपोजिट पोजिशन, इसका मतलब एंटी का अपोजिट मीनिंग ये रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, अगला द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेगमेंट इन लेग ऑफ कॉकरोच किस लेग से में क्या सीक्वेंस रहेगी, वह रहेगी पहले कोक्सा प्रोजेंटर फीमर ट्यूबिया एंड टार्सस ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, सबस्ट्रेट फॉर फोटोरेस्पिरेशन इज, तो वह है ग्लाइकोलिक एसिड और ग्लाइकोलेट ऑप्शन ए, ग्लाइकोलिक और ग्लाइकोलेट। अगला क्वेश्चन हमारा, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल साल्ट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन, किस पे डिपेंडेंट करते हो, वो ऑस्मोसिस पे ऑप्शन नंबर ए, ऑस्मोसिस पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, एट वट स्टेज ऑफ सेल साइकिल आर हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन ए यूकैरियोटिक सेल, तो होंगे ड्यूरिंग एस फेज जो कि ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन हमारा, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अगला है न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ईच न्यूक्लियोटाइड इज ए कंपोजिट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड ऑफ बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर जो कि ऑप्शन है अपना डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कंपेयर टू ब्लड आवर लिम्फ हैज मोर WBC एंड नो RBC, ब्लड लिम्फ के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला व्हेन CO2 कंटेंट इन ब्लड इंक्रीज ब्रीथिंग बिकम फास्टर एंड डीप, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, सर्टोली सेल्स कहाँ मिलती हैं, सर्टोली सेल्स होती है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में और ये प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन किसको, जर्म सेल को, ठीक है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओवन डीएनए, इनमें से कौन किसका खुद का डीएनए होता है, होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिफरेंशिएट लीफ ऑफ डाइकॉट फ्रॉम मोनोकॉट, उसको क्या स्पॉन्जी एंड पेलिसेड बैनकाइमा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर नोड ऑफ रेनिवर्स ऑफ नर्व, इनमें से देखिए कौन सी रहेगी करेक्ट पूछा उन्होंने, तो इनमें से करेक्ट कौन सी है, नहीं है कवर्ड बाई माइलिन सीथ, ये भी नहीं है बोथ, ये भी नहीं, तो ऑप्शन डी माइलिन सीथ इज डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिविंग बिलो, इनमें से करेक्ट बताने में, तो करेक्ट हमारी मॉर्फिन इज ऑफन गिवन एज ए पेन किलर, मॉर्फिन को पेन किलर के रूप में यूज़ करते हैं सर्जरी के टाइम पे, ठीक है सर्जरी के टाइम पे। और आपने फिल्म मूवी वगैरह देखते हुए तो उनमें कई बार बोल भी देते हैं, तो आपने ध्यान दिया तो मॉर्फिन देते हैं, ठीक है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट पूछा इन्होंने, ये बाकी की रॉन्ग है स्टेटमेंट तीनों ए सी और डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट्स आर सीड प्रोड्यूसर, सीड प्रोड्यूसर पूछा है इन्होंने कौन सा प्लांट्स पेयर, तो वह है फन और फनेरिया, फर्न और फनेरिया, ठीक है इसमें फनेरिया सीड प्रोड्यूस करता है फिकस नहीं करता, ठीक है इसमें पाइनस नहीं करता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, इसमें अगर ये करता है तो ये नहीं करता, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला व्हाट विल हैपन इफ लिगामेंट आर टॉर्न, अगर लिगामेंट टॉर्न हो जाते हैं तो क्या होगा, तो होगा बोन्स लेस मूवेबल एट जॉइंट एंड पेन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, टू कॉमन करेक्टरिस्टिक फाउंड इन सेंटीपेड कॉकरोच एंड क्रैब्स आर, तो क्या है कॉमन करेक्टर में जॉइंट लेग एंड चिटेनियस एग्जोस्केलेटन, ठीक है ये थे हमारे साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले लास्ट ईयर पहले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और आप अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।